This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगर आपको भी सरकारी नौकरी की तलाश है, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 149 वैकेंसी निकाली है, 149 लोगों की बहाली की योजना बनाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए जान लेते हैं इन पदों के बारे में और साथ ही आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करना है, आधिकारिक वेबसाइट क्या कुछ है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/careers। तो 149 पदों पर वैकेंसी आई है। चलिए पदों के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। फार्मासिस्ट 67 पद, प्रबंधक 51 पद, उप प्रबंधक 10 पद, डेटा विश्लेषक 8 पद, सलाहकार 4 पद, वरिष्ठ विशेष कार्यकारी 3 पद, वरिष्ठ कार्यकारी 3 पद, मुख्य आचार्य अधिकारी 1 पद, कार्यकारी 1 पद, उप मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी 1 पद, कुल पद 149। चलिए कुछ अहम तारीख को नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 13 अप्रैल 2021, आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 3 मई 2021, आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 3 मई 2021। चलिए अब जान लेते हैं कि इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कितना आवेदन शुल्क देना होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ₹750, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों से किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि पदों के आधार पर चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कुछ पदों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और आगे चलकर इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं कुछ पदों पर सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। इसके अलावा फार्मासिस्ट के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चलिए चयन प्रक्रिया के बारे में आपको तो जानकारी मिल गई, अब जान लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन के लिए योग्यता क्या कुछ तय की गई है। सभी पदों पर अलग अलग योग्यता और वेतनमान निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी के लिए आप आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर देखें। तो देखा आपने कि SBI ने किस तरीके से 149 पदों पर वैकेंसी निकाली है और आवेदन की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी SBI में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के जरिए या इस वीडियो से मिल रही जानकारी के आधार पर आगे चलकर आवेदन जरूर करेंगे। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आप वीडियो को भी जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।